बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन, बच्चों प्रश्न की भाषा को ध्यान से पढ़िए समझिए, प्रतिदिन का मतलब है एक दिन में, एक दिन में एक से ही 3/4 घंटे पढ़ती है ना, वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए हैं? बच्चों मैंने पूर्व में भी बताया है, जब आपको एक का देख के अधिक का पूछे, एक दिन का दिए फिर 6 दिन, बच्चों मैंने आपको पूर्व में भी बताया, जब एक का देख के अधिक का पूछे, जैसे आपको कह दिया कि एक पेन है वो 8 रुपये का है ना, तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा, तो अपन 10 × 8 80 रुपये करते हैं कि नहीं, यानी गुणा करते हैं, और अगर ज़्यादा का देखे और एक का पूछे उस स्थिति में भाग करते हैं। यहाँ हमारे क्या है कि एक का यानी एक दिन का तो बताया कि एक दिन में एक से ही 3/4 घंटे पड़ती है, 6 दिन में कितने घंटे पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, ऐसी स्थिति में गुणा होगा। देखिए एक लिपिका एक दिन में 1 / 3/4 घंटे है ना, तो 6 दिनों में उसने पूरी पुस्तक को पढ़ा है, तो पहले अपन ये देखेंगे 6 दिनों में कितने घंटे पढ़ती है, 6 दिन में पढ़ती है, तो ये जो एक दिन में जितने घंटे हैं वो 6 से गुणा हो जाएंगे, तो 1 / 3/4 × 6, ठीक है, इसे सरल करें। एक पूर्ण संख्या और मिश्र भिन्न का गुणनफल करना है हमें, तो मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलें, 4 × 4 और 3 = 7, 7/4 × 6। अगर कोई संख्या कट रही है, कैंसिल हो रही है, तो आप यहाँ कैंसिल करें, जैसे 4 में 2 का भाग 2 बार, 6 में 3 बार, तो ये हो गया 7 × 3/2, 21/2 घंटे, 21/2 घंटे यानी 21 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 / 1/2 घंटे। तो दीपिका उस पुस्तक को पढ़ने में 10 / 1/2 घंटे या 21/2 घंटे लगाती है। देखिए अगला प्रश्न, एक कार 1 लीटर में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 / 3/4 लीटर में पेट्रोल में ये कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? बच्चों वही एक का देके अधिक का पूछा है, तो अपन क्या लिखेंगे, गाड़ी 1 लीटर में दूरी तय करती है कितने किलोमीटर चलती है, 16 किलोमीटर, ठीक है, इसलिए 2 / 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये गुणा हो जाएगा 16 का 2 / 3/4 से गुणा। सरल करें, पूर्ण संख्या का मिश्र भिन्न के साथ गुणा, पहला काम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलें, 4 × 8 और 3 = 11/4, जो संख्या सरल हो सकती है उसमें भाग देवें, 4 में 1 बार 16 में 4 बार, अंश में संख्याएं 4 × 11 यानी 44/1 है, 44 किलोमीटर, गाड़ी 2 / 3/4 पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगला प्रश्न, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, पहले इसका मान बताना है कि 2/3 ये भिन्न है, इसको किससे गुणा करें, यहाँ भी एक भिन्न ही आएगी, जिससे कि इस भिन्न का मान क्या हो जाए, 10/30। सबसे पहले अंश में ध्यान दें, अंश में यहाँ है 2, तो अंश में कौन सी संख्या लिखे कि उससे गुणा करने पर 10 मान आ जाएं, तो निश्चित रूप से यहाँ 5 लिखेंगे। ऐसे ही हर में बताइए कि 3 को किससे गुणा करें कि मान 30 आ जाए, यानी 3 को 10 से गुणा करेंगे तब 30 आएगा मान, तो अपने बॉक्स की संख्या का मान क्या हुआ, 5/10।
अब इसका अगला प्रश्न ये है कि 5/10 को क्या कोई न्यूनतम रूप में, सरलतम रूप में लिखा जा सकता है? अगर कोई संख्या कट रही है तो कट सकती है। ध्यान दीजिए, 5/10 समान संख्या का भाग जाते हैं, 5 का भाग एक बार और 10 में दो बार, तो अपन इसकी जगह 1/2 लिख सकते हैं। ये इसका न्यूनतम रूप हो गया 1/2। देखिए अगला प्रश्न, ये भी ठीक पूर्व प्रश्न की भांति है, हमें यहाँ एक भिन्न लिख के बताना है क्योंकि दो भिन्नों का मान 24/75 आना है। तो एक भिन्न तो दी हुई है 3/5, तो 3/5 को किससे गुणा करें कि इसका मान 24/75 आ जाए? तो सबसे पहले अंश पे ध्यान दें आप कि 3 को किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, तो यहाँ आएगा 8। अब आप दीजिए ध्यान हर की संख्याओं पे, हर में है 5, 5 को किससे गुणा करें कि 75 आ जाए? तो 5 को मैं 15 से गुणा करूंगा तो इसका मान 75 आ जाएगा, 15 × 5। अब अगला सवाल कि जो बॉक्स में संख्या है 8/15 में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए, तो क्या इसमें कोई समान संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो यही न्यूनतम रूप है 8/15। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।